आज मैं आपके सामने इंडिया की टॉप 10 इलेक्ट्रिक मोटर कंपनी जो कि भारत बिजली है उसके बारे में बात करूंगा। कंपनी के 9 मंथ्स के जो रिजल्ट्स आए हैं उसके अंदर कंपनी ने मोर देन 45% की पैट की ग्रोथ दिखाई है, लेकिन इस कंपनी पे मेरी नजर वहां गई कि कंपनी की बैलेंस शीट में मेरे को अराउंड 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट दिखाई दी। इस चीज को मेरे को चेक करने के लिए कंपनी की एनुअल रिपोर्ट खोलनी पड़ी। वहां पे जब मैंने ये नंबर सर्च किया मेरी आंखें खुल गई कि कंपनी के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के अंदर अराउंड मोर देन 800 करोड़ की वैल्यू क्रिएटेड है सीमेंस के अंदर, जो कि इंडिया के अंदर लिस्टेड कंपनी है। ये सिचुएशन पे आपको ये देखना पड़ेगा कि एक 2000 करोड़ की कंपनी जिसके अंदर एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो 1000 करोड़ का, ऐसा ग्रेड ए लेवल कंपनी है जो कि सीमेंस है, आपको भी ऐसी चीजें सर्च करनी शुरू करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट में ना आज की डेट में लोग ऐसे स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स में फोकस कर रहे हैं जहां पे फंडामेंटल्स का सर पैर नहीं है। उन 50-100 कंपनीज में सिर्फ गिनती की 3 कंपनीज में वाकई में टर्न अराउंड होना है, लेकिन उससे ज्यादा रिस्की बेट आपको लेने की जरूरत क्या है जब आप एक ऐसी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज पकड़े जिसके प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर ऐसी ग्रोथ हो 45% की, प्लस कंपनी को जब आपने खोल के कोशिश करी देखने की तो आपको ये पता चला कि एक तो इंडिया के टॉप 10 इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर कंपनी आती है, कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो हमारा ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एक कोर कंपोनेंट होता है। कुछ भी आपको बड़ा एसेट क्रिएट करना है इंडिया के अंदर, कुछ भी क्रिएट करना है वहां पे ट्रांसफॉर्मर्स की रिक्वायरमेंट रहनी है। प्लस कंपनी के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को देख के मेरे को इतना मजा आया कि एक ऐसी कंपनी है छोटे स्पेस के अंदर जिसकी मार्केट कैप अराउंड 2000 करोड़ की है और कंपनी के पास एसेट्स ऑन बुक जो है उसकी वैल्यू जो है लिस्टेड कंपनीज के अंदर अराउंड 1000 करोड़ से ऊपर की आ चुकी है। अगर मैं सीमेंस के अलावा कोई और कंपनी की बात करूं जिसका एक मुआवजा चंग है वो है HDFC। कंपनी के पास लगभग 135 करोड़ का HDFC भी पड़ा हुआ है जिस पे आप फोकस कर सकते हैं। मैं ऐसे इंडिया के लिए तैयार कर रहा हूं अपने पोर्टफोलियो को जो कि आज से 10 साल के बाद अगर आप इंडिया की दिग्गज कंपनीज को देखें उनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर थीम पकड़े कि कहीं पे भी आपको ऐसी नीश कैटेगरी की कंपनीज मिल जाए जैसे कि भारत बिजली। अब ये कंपनी को ना पूरा स्टडी करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि एलिवेटर्स के अंदर जो मोटर लगती है उसका भी एक कोर कंपोनेंट ये कंपनी देती है। पूरे ट्रांसफॉर्मर्स इंडस्ट्री के अंदर वन ऑफ द टॉप 10 वेंडर्स के अंदर ये कंपनी आती है और कंपनी का जो काम है वो अच्छे लेवल पे है। रीजन बीइंग इनकी जो पार्टनरशिप है ग्लोबल MNCs के साथ उसका एक बहुत बड़ा एक वेटेज है इस कंपनी की पूरे के पूरे ग्रुप के अंदर। क्यों? क्योंकि आप ग्लोबल ब्रांड को इंडिया में पार्टनरशिप करके अगर बेचते हैं तो आपका एक तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो एक बहुत बढ़िया लेवल पे चलता है। कंपनी के मार्जिन्स भी मेरे को पसंद आए तभी सबसे पहले मैंने इस नज़र पे कंपनी को देखा। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ 9th month रिजल्ट्स के अंदर उन कंपनीज पे फोकस करूंगा जहां पे प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है और कोई मेरा क्राइटेरिया नहीं है कंपनियों को देखने का। यहां पे 45% से ऊपर की ग्रोथ देख के मैंने इस कंपनी को फर्दर स्टडी पे लगाया। आप भी इस क्राइटेरिया पे काम करें, मजा आ जाएगा। थैंक यू।